नमस्ते, मैं हूँ अनामिका और आज हम डिस्कस करेंगे वोकिज्म के टॉपिक पर। वोकिज्म का टॉपिक पेरिस ओलंपिक्स के दौरान फिर से एक हॉट टॉपिक बन गया है और आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, जो कि यूके बेस्ड डॉक्टर हैं। नमस्कार। नमस्ते राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर मुझे आपसे बात करने का अवसर देने के लिए। यह मेरा प्रिय विषयों में से एक है और इस विषय पर मैं कुछ समय से अध्ययन करता रहा हूँ और इसके ट्रेंड्स को ग्लोबली और इंडिया में वॉच कर रहा हूँ कि किस तरह से यह सामाजिक परिवेश को अपने कब्जे में ले रहा है। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप पी गुरुज के साथ जुड़ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स के दौरान समय समय पर ओपनिंग सेरेमनी के टाइम और बॉक्सिंग चैंपियनशिप के टाइम वोकिज्म का टॉपिक फिर से एक हॉट टॉपिक बनता है। तो क्या आप संक्षेप में उन इंसिडेंट्स के बारे में हमें बताएंगे और ऐसा क्यों हुआ? देखें, पेरिस में ओलंपिक हो रहा है तो ऐसा होना बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो मुझे बहुत आश्चर्य होता। यह तो ओलंपिक जैसा बड़ा इवेंट है। पहले तो आप वोक शब्द से लोगों को इंट्रोड्यूस कर दे। वोकिज्म क्या है, वोक किसे कहते हैं, यह एक स्लैंग वर्ड है। अमेरिकी ब्लैक मूवमेंट्स के समय में या यहाँ का एक लोकल कॉलोक्वियल स्लैंग है, जब वे एक शब्द यूज करते थे स्टे वोक, स्टे अवेक की जगह वे कहते थे स्टे वोक, और यह पोस्टर जगह जगह दिखाई देता था। तो स्टे वोक शब्द से जागृति का प्रतीक है वेस्टर्न कंटेक्स्ट में कि जागते रहो, स्लैंग इंग्लिश में स्टे वोक कहते थे। तो किन विषयों पर वे जागते हैं, किन विषयों पर वे लोगों को जगाते हैं, यह एक क्लीशे सा बन गया है कि जब भी कोई बात होती है वे एक सर्टेन इश्यूज को उठाते हैं, चाहे कोई भी विषय हो। तो उसमें आज के दिनों में उनका प्रिय विषय है जिसको वे कहते हैं, नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं तो दाद देनी पड़ेगी, डाइवर्सिटी इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी। वो कहते हैं डाइवर्सिटी इक्वलिटी एंड इंक्लूसिविटी, मैं जानकर इसे इस क्रम को बदलता हूं, यह DEI नहीं है, यह DIE है। क्योंकि जहां कहीं भी यह विषय घुसता है उसकी मूल आत्मा को की हत्या कर देता है, उसकी मूल आत्मा उस जगह की मर जाती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे खेल हो, जहां कहीं भी यह विषय घुसता है मूल विषय सेकेंडरी हो जाता है और इन्हें हर जगह डाइवर्सिटी इक्वलिटी इंक्लूजन प्रमोट करना होता है। और यह फिलहाल के वोक मूवमेंट का प्रिय विषय है और यह सतरंगे झंडे द्वारा आजकल खासतौर से प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें है LGBTQ का एजेंडा जो सतरंगे झंडे द्वारा सबसे अधिक प्रमोट किया जाता है और जहां कहीं भी इन्हें अवसर मिलता है, खेल हो या कोई भी महत्वपूर्ण फंक्शन हो, उसमें इनका सतरंगा झंडा जरूर लहराता है। पेरिस ओलंपिक तो बहुत बड़ा विषय है, स्पोर्ट्स में खासतौर से रुचि लेता हूँ, मैराथन्स वगैरह दौड़ता हूँ, तो यहाँ कोई भी मैराथन वगैरह होता है, लंदन मैराथन हो या कोई भी मैराथन होता है, तो उसमें सतरंगा झंडा जरूर चला आता है। चाहे जो कोई भी ऑर्गेनाइजर हो, वे यह एफर्ट नहीं कर सकते कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में इसका सतरंगा झंडा ना लहराए। तो पेरिस में ओलंपिक हो रहा हो, जो कि वोक आइडियोलॉजी का गढ़ है और ओलंपिक जैसा इवेंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें पड़नी है, तो यह हो नहीं सकता कि यह विषय दिखाई न दे। तो ओपनिंग सेरेमनी में दिखाई दिया कि जीसस क्राइस्ट के लास्ट सपर के जैसे, जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए इतना पवित्र और इतना सैक्रोसैंक्ट प्रसंग है कि जब जीसस क्राइस्ट अपने 12 शिष्यों के साथ आखिरी बार भोजन पर बैठते हैं और उसके अगले दिन उनको क्रूसीफाई किया जाता है, तो लास्ट समर इतना सैक्रोसैंक्ट विषय है और उस पर उन लोगों ने उसकी पैरोडी बनाकर रख दी, एक अधनंगे आदमी को जीसस क्राइस्ट बनाकर दिखाया और उसके बाद उनके तरफ तरह तरह के रिप्रेजेंट किए गए, मैं कहूंगा LGBTQ को के अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करने वाले सारे एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट किए गए। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड को यह बहुत ही बुरा लगना चाहिए था, मुझे नहीं पता सचमुच कितना बुरा लगा है और कितनी उनकी क्षमता है इसका प्रतिकार करने की, लेकिन यह दिखाता है कि यूरोप का जो मेन स्ट्रीम है वह इस मूवमेंट के आगे और इनके पॉलिटिकल करेक्टनेस के आगे बिल्कुल असहाय है, निरुत्तर है और कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं। तो यूरोप में, यूरोप के कल्चरल मेन स्ट्रीम को LGBTQ के एजेंडे ने बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया है और आज की तारीख में यहाँ का कल्चरल एंड सोशल एंड इवन फैमिली तक का मेन स्ट्रीम बनाने का किया जा रहा है।
ट्रेडिशनल फैमिली को गे एंड लेस्बियन फैमिली से रिप्रेजेंट करने का विषय हो, या ट्रांस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का विषय हो, या स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों तक को रिक्रूट करके उनको ट्रांस में कन्वर्ट करने का और उनको एक जेंडर आइडियोलॉजी से जोड़ने का, वह बहुत आगे तक जाती है। बात जेंडर आइडियोलॉजी से शुरू होती है, उसके बाद बात हार्मोनल प्यूबर्टी ब्लॉकर पर जाती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर जाती है, सेक्स चेंज पर जाती है, और जब तक 20-25 साल का होने तक, जब तक युवा होने तक और सत्य का पता चलने तक, बच्चे की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर दी जाती है कि वह एक नॉर्मल जीवन जीने योग्य नहीं। यह सब डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी के नाम पर होता है। तो वेस्ट में यह बुरी तरह से उसके अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो उनकी बॉक्सिंग इवेंट में यह बात सामने आई कि एक लड़की जो मूलतः बायोलॉजिकली एक लड़का है, और हालांकि वह ट्रांस नहीं है जैसा पता चला, लेकिन वो बायोलॉजिकली एक लड़का है, लेकिन उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी एम्बिगुअस है और उसकी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल। तो एक बायोलॉजिकली मेल एथलीट जिसकी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल है, उसको विमेन्स के साथ, लड़कियों के साथ कंपीट करने छोड़ दिया गया, और उसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं शारीरिक रूप से कंपीट करने की स्थिति में। या आप सोचें कि लड़कियों और लड़कियों की सो भी शारीरिक शक्ति के, कौशल के नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें चेस खेलना है या कोई स्किल की जरूरत है या जिम्नास्टिक्स है, एक शारीरिक कौशल का एक खेल, शारीरिक शक्ति का एक खेल है बॉक्सिंग जैसा, जिसमें कि प्रतिद्वंदी से आपको फिजिकली लड़ना है और उसमें आप फिजिकली थ्रेटेंड होते हैं, उससे आपको चोट पहुंच सकती है, घातक चोट पहुंच सकती है। दुनिया में यह कोई नई बात नहीं है, बॉक्सिंग के खेल में मरने वालों की संख्या सैकड़ों में, सैकड़ों बॉक्सर बॉक्सिंग के खेल में घायल होकर मरे हैं। और उसमें लड़कियों की बॉक्सिंग में एक फिजिकली बायोलॉजिकली एक मेल का उतरना, सिर्फ इसलिए कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल है और जेंडर आइडेंटिटी को ही मुख्य आधार मान के उसको प्रवेश देना, जबकि उसको पहले उसके लड़कियों के बॉक्सिंग में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था, उसके बावजूद यह उतारना, यह एक तरह का प्रयोग, यह प्रयोग है कि दुनिया कितनी एब्सर्डिटी बर्दाश्त कर सकती, कितनी एब्सर्डिटी तक दुनिया को ले जाया जा सकता है और आपको बर्दाश्त करना पड़े। तो तो आप ये और बोल रहे हैं कि अलग अलग स्फीयर्स में डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिविटी के नाम पे इन चीजों को आगे प्रमोट किया जाता है, बट आप एक बात बताइए कि जो भारतीय सभ्यता है वो शुरू से हमने तो किन्नर समाज का रिस्पेक्ट किया है, तो हमारी सभ्यता तो इंक्लूसिव रही है, तो आज हमें क्यों ये ऑफेंसिव लगना चाहिए? जी नहीं, ये मुझे ऑफेंसिव नहीं लग रहा, यह मुझे एब्सर्ड और अनजस्ट लग रहा है। आप उस लड़की के एंगल, कि एक लड़की जो ओलंपिक जैसे वो कोई शौकिया नहीं उतरी है खेलने को, उसने अपना पूरा जीवन दिया है एथलेटिक एक स्पोर्ट्स को, पूरा जीवन दिया है, उसके जीवन का सपना होगा एक दिन वर्ल्ड में बेस्ट होना। और दुनिया भर की लड़कियां जिन्होंने अपने पूरा जीवन एक एथलेटिक्स में, एक स्पोर्ट्स में, एक स्पोर्टिंग इवेंट में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसके जीवन का उद्देश्य ही खेलना और उसमें विश्व स्तर का होना और ओलंपिक में मेडल, और उसमें एक व्यक्ति जो कि बायोलॉजिकली मेल है, जेंडर आइडेंटिटी फीमेल है, चाहे जो भी उसके पीछे का कारण रहा हो कि बचपन में पैदा होने के समय में उसकी सेक्सुअल ग्रोथ जो था वो ऐसा था कि उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी, पर जेंडर आइडेंटिटी के नाम पर उसको लड़कियों के स्पोर्ट्स में उतारना, और यह कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले भी स्विमिंग में ऐसा हो चुका है, अमेरिका की लिया थॉमस को स्विमिंग में मेडल दिया जा चुका है। तो आप इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी तो होनी, इक्वलिटी के लिए तो यह आवश्यक होना चाहिए ना कि समान तरह के लोगों में स्पर्धा कराई जाए जिससे पता चले कि कौन सबसे अच्छा है। अब लड़कियों के स्पोर्ट्स में एक पुरुष बायोलॉजिकली एक बायोलॉजिकल मेल चला आएगा, तो यह तो इक्वलिटी हुई नहीं, यह तो उस लड़की के साथ या फीमेल स्पोर्ट्स के साथ तो यह अन्याय हुआ। लेकिन इस अन्याय के बारे में कोई बोले यार, वह व्यक्ति किन्नर है, इस बारे में से हम ऑफेंडेड नहीं हो रहे, हम इसकी एब्सर्डिटी को सामने ला रहे हैं कि लड़कियों के स्पोर्ट्स में एक व्यक्ति जो बायोलॉजिकली मेल है वह खेलता है, यह सिर्फ उसी लड़की के सामने नहीं, दुनिया भर में स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाने का सोचने वाली सारी लड़की, कितना बड़ा झटका है। आप ऐसे देखें इसको, मान लेते हैं कि वह प्लेयर
बॉक्सिंग में है, एथलेटिक्स में होती। हम्म, आपके पास सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स नहीं होती। अगर एथलेटिक्स में ट्रेंड 30 साल पहले चला होता, 30-40 साल, तो आपके पास स्टीफी ग्राफ नहीं होती, कोई स्पोर्टिंग आइकन नहीं होता, जैकी जॉयनर कर्सी नहीं होती, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर नहीं होती। तो आपको वुमेन स्पोर्ट्स के जो दुनिया भर की लड़कियों को, दुनिया भर की स्त्रियों को, एक तो कितनी मुश्किल से अवसर में, उनके लिए पहले स्पोर्ट्स नहीं होते, उनको उनके लिए पहले ओलंपिक्स में नहीं होते थे, या ओलंपिक में उनके धीरे धीरे इवेंट्स आने शुरू हुए, बहुत कम इवेंट, उनको इतनी मुश्किल से अवसर मिला। और आज उनका अवसर इनकी वोक आइडियोलॉजी के चक्कर में कुछ ऐसे लोग लेकर जा रहे हैं जो कि उस कैटेगरी को बायोलॉजिकली बिलोंग नहीं करते। यस, दुनिया भर में स्पोर्ट्स खेलने वाली सारी लड़कियों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। अब कौन सी लड़की अपना पूरा जीवन देगी स्पोर्ट्स खेलने में, जानते हुए कि एक ऐसा व्यक्ति उसमें घुसाएगा जो कि जिसके पास इतना बड़ा नेचुरल बायोलॉजिकल एडवांटेज है, और उस लड़की के कैरियर का कुछ नहीं होना। शी कैन नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो लोग शौकिया खेलने वाले नहीं है ना कि हम भी खेलते हैं आप भी खेलिए, ये लोग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसको दिया है। तो वर्ल्ड लेवल पे इस एब्सर्डिटी को प्ले करने के लिए उनमें इतनी बोल्डनेस कैसे आती है कि कोई बैकलैश होगा नहीं, या उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी कुछ रुक जाएगा? यही महत्वपूर्ण बात। यह एक ऐसा गेम खेला गया है, इसका आपने इसे स्वीकार आप करेंगे, उसके बाद से किसी भी एब्सर्डिटी के लिए रास्ते, किसी भी एब्सर्डिटी के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो यह एक तरह का प्रयोग है एब्सर्ड। उनको यह उनकी ताकत कहां से आती है, इसके पीछे उन्होंने मुहावरे बड़े अच्छे तैयार। आप कहेंगे कि यह एब्सर्डिटी है, आपको कहा जाएगा आप ट्रांसफॉर्म, आपको कहा जाएगा कि आप समाज में हर तरह के व्यक्ति को अपने साथ जुड़ते नहीं देखना। हमें सब लोगों को अपने साथ जुड़ते देखने से क्या समस्या है? यहाँ समस्या यहाँ पर सिंपली बात अन्याय की हो कि आप स्पोर्ट्स जो है लड़कों का स्पोर्ट्स लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ और लड़कियों का स्पोर्ट्स लड़कियों के साथ हो, तब ये फेयर है, और तब इसमें पता चलता है कि किसमें कितना पोटेंशियल है, कौन कितनी मेहनत करता है, किसमें कितना कौशल है। ओलंपिक जैसा इवेंट इस चीज का इवेंट है। और आपने यहाँ पर एक इसके फंडामेंटल रूल्स को तोड़कर लड़कियों के स्पोर्ट्स में, वो भी शारीरिक शक्ति के, चेस नहीं हो रहा, शारीरिक शक्ति के स्पोर्ट्स में, टेबल टेनिस में मान सकता हूँ कि जहाँ पे स्किल का खेल है तो लड़के और लड़की के स्पोर्ट गेम में हो सकता है उतने का अंतर ना हो, लेकिन बिल्कुल शक्ति का स्पोर्ट्स है, और उसमें आपने घुसा दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो बायोलॉजिकली मेल है, और आप कहते हैं कि नहीं उसकी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल है, इसलिए वह फीमेल है, इसलिए वह कम्पीट करे। तो वो इतनी बड़ी लिटमस टेस्ट यूज कर रहे हैं कि आप वो कितना आपको स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना आपके लिमिट्स को वो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही पॉइंट पकड़ा है। हाउ फार you will take, how far they can manipulate the country, how far they can manipulate the rules of the world, that shows how powerful they are. Yeah, right. उनके लिए शक्ति का प्रदर्शन है कि हम कुछ भी करेंगे, और हमारे पास साधन है, हमारे पास मीडिया है जो एक झूठ को स्थापित करेगी, हमारे पास दुनिया में एक तंत्र है जो इसके विरोध करने वाले सभी स्तरों को दबा देगा। जो आप सोचें, बड़े बड़े लोगों ने, अब जेके रॉलिंग जैसी वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी, वे विरोध करती हैं और उस विरोध का जरा भी असर नहीं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जेके रॉलिंग को कैंसिल करता है। जेके रॉलिंग ने बहुत पहले यह बात, मुझे लगता है कि कुछ साल हो गए, 2-3 साल हो गए, जब जेके रॉलिंग ने कहा था कि यह जो ट्रांस मूवमेंट है, यह वुमेन के लिए डेंजर है, खतरा है, वुमेन के स्पेयर में ऐसे लोगों का इंटरफेरेंस है जो वुमेन नहीं है, जो सिर्फ अपने को वुमेन कहते हैं, जो वुमेन नहीं है, तो इससे वुमेन के स्पेयर में, वुमेन का प्रोटेक्टेड स्पेयर पर इंफ्रिंजमेंट है, या कुछ इस तरह की बात जेके रॉलिंग ने कहा। और जेके रॉलिंग ने मस्क में भी हाल ही में कहा, जी हाँ, एलन मस्क की तो और दुखद कहानी। जेके रॉलिंग ने कहा था उसके बाद, जब हैरी पॉटर सीरीज फिल्मों के 25 वर्ष पूरे होने को, उसके लिए पूरी दुनिया में कार्यक्रम होने, उन सबसे जेके रॉलिंग को बहिष्कार, कितनी माइट है, क्रिएट किए हुए कैरेक्टर पर बनी हुई फिल्म के सिल्वर जुबली से जेके रॉलिंग को बाहर होना पड़ा। तो आप उनकी शक्ति अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास, और उनके पास एक शोर मचाने का तंत्र कि आप हेट करते हो, आप हेट करते हो, आप, हम हेट कहां, हमने हेट करने की बात कही, हमने लॉजिक की बात कि आप जो कह रहे हैं वो इलॉजिकल है, जहां पर इस बात को नहीं लाना चाहिए आप वहां इस बात को लेकर आ रहे हैं। इलॉन मस्क के साथ तो और भी दुखद एक बात, इलॉन मस्क के बेटे को इस ट्रांस आइडियोलॉजी ने फंसा लिया मैं कहूंगा, क्योंकि इसको जिस तरह से स्कूलों में प्रमोट किया जाता है, और जिस तरह से 12-13-14 साल के बच्चों को लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने को बिना पेरेंट्स की सहमति प्रेरित किया जाता है, इसमें ऐसे डिसीजंस बच्चा लेता है
स्कूल उसको प्रमोट करता है, पूरा तंत्र उसको प्रमोट करता है, और उसमें पेरेंट्स का कोई से नहीं होता। पेरेंट्स अगर डिसएग्री करते हैं तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को समझाया जाता है कि तुम्हारा फादर जो है वो तुम्हारा, अच्छा अपने फादर को डिसओन कर दो। और यह हुआ इलोन मस्क के साथ। इलोन मस्क ने जब कहा कि यह तुम्हारे इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे जीवन को की क्वालिटी को यह खराब करेगा, आई डू नॉट अप्रूव, तो बच्चे ने इलोन मस्क को डिसओन कर दिया। आज इलोन मस्क कहता है, आई हैड अ सन, आई लॉस्ट हिम, दे टुक अवे द वोक वायरस, किल्ड माय सन। और उसको मैं कहता हूँ, सारी दुनिया की दौलत इलोन मस्क के पास है, लेकिन इलोन मस्क अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, इस आइडियोलॉजी में अपना जीवन बर्बाद, एक तरह का ड्रग एडिक्शन। इतनी माइट है ये कि ये छोटे बच्चों को पकड़ते हैं और उनको अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आपको इसमें आश्चर्य होता है, आप बच्चे के एंगल से देखें। आप देखें, मेरे दो बच्चे हैं, अब तो बड़े हो गए, वयस्क हो गए, लेकिन मैंने अपने बच्चों को देखा है, और कोई भी फादर जिसने टीनेजर बच्चों को बड़ा किया है उसको एक बात पता है कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की कंपनी में फिट, वे उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो हमारी पीढ़ी में मारपीट करना, गैंग बनाना, लड़ाई करना, ये सब होता था। किसी समय में दारू पीना, सिगरेट पीना, कि भाई बच्चा सिगरेट पीना कैसे सीखता है, झुंड बनाया सब सिगरेट पी रहे, अरे पीले पीले यार, अरे पीले यार, डाटा क्या पीले। तो आप उसका पार्ट होने के लिए ट्राई कर, वहां से लेकर ड्रग एडिक्शंस ये सब, तो कोई ड्रग ले रहा है तो उसके उस कंपनी का पार्ट बनने के लिए बच्चे सब कुछ नई चीजें ट्राई कर। आज के दिन में पीयर ग्रुप का पार्ट बने रहने के लिए आपको इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है, बेटर स्टिल इस आइडेंटिटी को सब्सक्राइब। तो कोई भी बच्चा जिसका सेल्फ स्टीम थोड़ा कमजोर होगा, कोई भी बच्चा जिसका जो अपने बारे में अनसर्टेन, उसको यह एक आइडिया दिया जाता है कि तुम इस रेनबो फ्लैग का पार्ट बनो, हम तुम्हें वेलकम करें। तो कोई भी बच्चा जिसका सेल्फ स्टीम थोड़ा कमजोर है, और यह बहुत आसानी से होता है, टीन एजेस में आदमी अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत श्योर नहीं होता। आप सिंपल सी बात आप देखें, जब आप बताएं कि आप जब 14 साल की थी तो आप क्या बनना चाहती, क्या आप वही बने? नहीं। मैं 12 साल का था तो मैं कहता था कि मैं ना रेडियो अनाउंसर बनूं। आदमी कोई आप स्कूल में बच्चों को लिखने बोलो कि भाई तुम लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो सारे लिखेंगे कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। कितना कॉमन है, सारे बच्चे एस्ट्रोनॉट बनना, ठीक है। तो यह आज के दिन का एस्ट्रोनॉट बनने के एम्बिशन को ट्रांस बनने के एम्बिशन से रिप्लेस कर दिया गया। आपको सबसे अधिक, और आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं बात बता रहा हूँ कि खास तौर से अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, खास तौर से अमेरिका के जो ब्लू स्टेट्स हैं उनमें इनको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में थोड़ा पीछे चल रहा है लेकिन इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, और यूरोप के बहुत सारे देशों में LGBTQ जो है वह मेन स्ट्रीम है। स्कूल में एक एक महीने तक प्राइड मंथ मनाया जाता, तो उसमें अब बच्चे को सतरंगा स्टिकर लगाने और सतरंगा ग्रुप में एक फेस्टिवल मन रहा। तो अगर आप उसका पार्ट हैं तो आप अपने आप को मेन स्ट्रीम फील, अदरवाइज फोमो फील होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो फील होता है, बिल्कुल सही शब्द प्रयोग किया है आप कुछ मिस कर रहे हैं। तो अब स्कूल में बच्चों को इस तरह से इस ओर पुश किया जाता है, तो अब 14-15 साल के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, 8-9 साल तक के बच्चे, उनको एक फ्रेज दिया जाता है कि इफ यू थिंक यू आर ट्रांस, यू आर ट्रांस। तो अब ट्रांस डायग्नोज होने के लिए बच्चे को कुछ नहीं करना, टेक्निकल टर्म है इसका जेंडर डिस्फोरिया। तो जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोज होने के लिए बच्चे को कुछ नहीं करना, बच्चे को सिंपली जाकर स्कूल में टीचर को या काउंसलर को बोलना है कि आई थिंक आई फील लाइक अ गर्ल ट्रैप्ड इन अ बॉयज बॉडी, और आई फील लाइक अ बॉय टर्न्ड इन अ ट्रैप्ड इन अ गर्ल्स बॉडी। और आपने ये फ्रेज बोला, ये मैजिक फ्रेज है, जैसे ही आपने ये फ्रेज बोला आपको उस ग्रुप का भाग घोषित, ठीक है, अच्छा आप अब ट्रांस हैं। जो काउंसलिंग के नाम पर, द ओनली फॉर्म ऑफ काउंसलिंग दैट इज अलाउड इज कॉल्ड अफर्मेटिव काउंसलिंग, अफर्मेटिव थेरेपी। यानी अगर बच्चे ने कह दिया तो आप पहला काम तो कीजिए, आप अफर्म कीजिए कि हाँ तुम सही बोल रहे हो बेटा, तुमको ऐसा फील होता है तो जरूर है सही। उसके बाद अब आप उसका सोशल ट्रांजिशन, अब आप वो अपना प्रोनाउन चूज करेगा कि अब मैं ही शी ही हर, हिम नहीं हूँ शी हर हूँ, मेरा नाम अब माइक नहीं है, मेरा नाम अब मेलनी है। और वह लड़कियों के कपड़े पहनेगा, लिपस्टिक लगाएगा और हाई हील पहनेगा, और सब कुछ को सेलिब्रेट किया जाएगा कि वाह यू आर द ब्रेव, यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इट। तो जो नामी है इसका प्राइड मंथ है, यू शुड बी प्राउड ऑफ, तो दे डिड नॉट हैव एनीथिंग अदर देन दिस टू बी प्राउड ऑफ। You should be proud of your athletic prowess. You should be proud of your intelligence. You should be proud of your scholastic performance.
यू शुड बी प्राउड ऑफ हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ वेल यू स्पीक, हाउ वेल यू सिंग, हाउ गुड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू प्ले. नो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर जेंडर आइडेंटिटी. तो यह अजीब सी बात है कि आप अपने क्वालिटीज के बजाय अपनी आइडेंटिटी के लिए प्राउड. और क्वालिटीज डेवलप करने में समय लगता है, आइडेंटिटी आपको 10 मिनट में मिल जाती. तो आप देखेंगे बच्चों को कैसा शॉर्टकट दिया जा रहा है. उन्होंने मतलब बच्चों के या लोगों के एम्बिशन इतने सीमित कर दिए कि रादर देन अपनी क्वालिटीज के वो अपनी आइडेंटिटीज के लिए एस्पिरेशनल हो गए हैं कि मुझे ये चाहिए. क्वालिटी और इंक्लूसिविटी का वो दिखाया जाता है. हाँ, वो आपको एक वल्नरेबल स्टेट में पकड़ते हैं, आपके एज वल्नरेबल एज ग्रुप में पकड़ते हैं, एंड वो आपको डिफेंसिव पे पुट कर देते हैं कि यदि आप प्रोग्रेसिव फिलॉसफी में नहीं बिलीव करते तो यू आर समबडी बैकवर्ड. वो इन चीजों पे प्ले कर रहे हैं, राइट? तो उनकी स्ट्रेंथ, हाँ, उनके ऐसे क्या स्ट्रेंथ है कि जो इंसान को अपनी वल्नरेबल स्टेट पे कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा और वो लोगों को अपना शिकार बना पा रहे हैं. जी, उन्होंने इस पर बहुत समय काम किया है. उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किया है, जैसे स्कूलों में भी पहुंचे हुए हैं. तो स्कूलों में अगर बच्चे क्या सोचते हैं यह स्कूलों से डिसाइड हो रहा है. यूनिवर्सिटीज में पहुंचे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में जहां कहीं भी इंटेलेक्चुअल वर्क हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है. तो समाज की सोचने की क्षमता जहां से निर्धारित हो उस पर उनका कब्जा है. मीडिया है, सिनेमा है, आर्ट है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है. तो जहां जहां से समाज की सोचने की दिशा निर्धारित होती है उस पर उन्होंने कब्जा. और वे ऐसी उम्र में पकड़ते हैं अपने शिकार को जब उसके सोचने की क्षमता या तर्क करने की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं. और यही नहीं, वे उसे ऐसी फिलॉसफी देते हैं जहां उसे उसकी सोचने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता विकसित हो ही नहीं. वे लोगों को के इमोशंस पे प्ले करते हैं, लोगों के इमोशंस को अपील करते हैं. यहां एक शब्द मैं प्रयोग करना चाहूंगा, एपिस्टेमोलॉजी. वे लोगों की एपिस्टेमोलॉजी को कैप्चर करते हैं. एपिस्टेमोलॉजी क्या है, जो लोग फिलॉसफी से थोड़ा दूर का संबंध रखते हो उनके लिए मैं शब्द को एक्सप्लेन करना चाहूंगा. इट इज द साइंस ऑफ नॉलेज, दैट इज हाउ नॉलेज इज गेन्ड, हाउ नॉलेज इज प्रोसेस्ड, एंड हाउ द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज चेक. इसके जो टूल होते हैं, इसके लिए जो इंटेलेक्चुअल टूल होते हैं उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी. इसका जो प्रोसेस है, इसका जो साइंस, यानी हाउ यू गेन नॉलेज इज बाय यूजिंग आइदर योर रैशनलिटी, यूजिंग योर इमोशंस दैट सुपरसीड रैशनलिटी, और जस्ट फॉलोइंग अथॉरिटी फिगर. बाय व्हाई डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट? ओ, बिकॉज आई हैव रेड इट इन अ बुक. इट इज इन अ बुक रिटन बाय अ वर्ल्ड फेमस ऑथर. तो आप कहते हैं वो सही है, आप खुद से उसको इवेल्युएट नहीं करते. दूसरा तरीका है कि भाई हाउ डू यू नो दिस इज ट्रू? ओ, आई फील दिस इज ट्रू, सो दिस इज. और तीसरा तरीका है हाउ डू यू नो दिस इज ट्रू? दिस इज ट्रू बिकॉज. एंड तब आप अपने रैशनलिटी को यूज कर कि बाय गोइंग बाय दीज रैशनल आर्गुमेंट्स दिस अपीयर्स टू बी ट्रू एंड टू रैशनल पीपल विल एग्री ऑन व्हाट इज करेक्ट, राइट? अगर हम और आप दोनों किसी चीज को इवेल्युएट कर रहे हैं इन द सेम कॉन्टेक्स्ट विद द सेम प्रेमिसेस और दोनों रैशनल हैं तो हमारे और आपके कंक्लूजन सेम होने चाहिए जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है. लेकिन वोक आइडियोलॉजी जो है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है, वो इसमें बीच वाले को कर. इट टेल्स यू व्हाट यू फील और व्हाट यू शुड फील एंड इट मेक्स यू फील व्हाट यू वांट टू. आप अच्छा फील करना चाहते हैं, वाओ, आपको अच्छा फील करने के लिए यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. Objectively, you will have to be good, right? अगर आप rational person हैं, तो आप कहेंगे to feel good, I should be good. To be good, I should have these and these qualities. एक school का बच्चा क्या करना चाहेगा? I want to be a good athlete so that everyone appreciates, right? If you want to feel good about it, you want to take everyone's validation. What you want to do? You would want to be good at. उसके लिए आपको मेहनत लगेगी. आसान रास्ता क्या है? You want to feel good about yourself. You don't have to be good. You just have to get an identity that makes you feel right. And what is the greatest way they want to do? They want to give you a victim identity. Oh, you are oppressed. So, ये क्या करते हैं? आपको एक victim identity और आपके लिए बड़ा आसान है identity pick करना. तो जो trans identity है या जो LGBTQ का जो पूरा spectrum है उसकी जो भी identity है वह सबसे आसान open रास्ता है. ऐसे उसके पहले का क्या रास्ता? You want to have a victim identity? You should belong to a minority group. You should belong to a victim group, right? Jews को पूरी दुनिया में एक
विक्टिम आइडेंटिटी मिली हुई है, बट दे वेयर विक्टिमाइज, देर इज नो डाउट अबाउट, राइट? इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड सम माइनॉरिटीज आर विक्टिमाइज, इन मेनी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड सम माइनॉरिटीज दैट आर एक्चुअली मोर कॉम्पिटेंट आर जनरली मोर विक्टिमाइज, राइट? युगांडा से में रहने वाले गुजरातियों को मार के भगा दिया, उन्होंने कोई विक्टिम आइडेंटिटी नहीं प्ले किया कि इंग्लैंड में बसे और फिर से मिले ना, राइट? दे डिडंट हार्प ऑन हैविंग अ विक्टिम आइडेंटिटी, दे न्यू दे वेर गुड, सो दे चेंज द प्लेस वेयर दे हैड अ बेटर चांस एंड अगेन प्रूव, बट इट टुक सम क्वालिटी सम हार्ड वर्क। लेकिन सबसे आसान क्या है, जहां है वहीं बैठे बैठे एक विक्टिम आइडेंटिटी मिल जाए और आप कहें ओ हम तो विक्टिम है, द होल वर्ल्ड शुड सिंपथाइज विद मी एंड आई शुड फील गुड अबाउट माय, सो दिस इज व्हाट वोकिज्म, इट प्लेज ऑन योर इमोशंस, इट टेक्स अवे योर रैशनलिटी, इट टेल्स यू दैट रैशनलिटी इज नॉट रिलायबल, रैशनलिटी कैनॉट बी ट्रस्टेड ऑन एंड वॉन्ट्स टू मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, इट गिव्स यू ईजी शॉर्टकट्स टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, और feel that if you are not good, it is someone else's fault. It is society's fault. It is fault of those people who are discriminating against you. If you are poor, you can always feel it is rich people's fault. आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि एलॉन मस्क अमीर है। मैं सोचता हूँ सड़क के किनारे दारू पी के पड़ा हुआ आदमी कहता है कि वो इसलिए गरीब है कि एलॉन मस्क अमीर हो गया। अरे तुम्हारी जेब में धेला नहीं है, तुमसे एलॉन मस्क ने क्या लिया कि उसके पास $400 बिलियन हो? व्हाट यू हैड इन द फर्स्ट प्लेस टू गिव टू एलॉन मस्क? लेकिन वो भी शिकायत रखता है कि बिकॉज एलॉन मस्क इज रिच आई एम पुअर एंड आई एम एंटाइटल्ड। तो क्या देता है ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देता है, वो आइडियोलॉजी लोगों को सेंस ऑफ विक्टिमहुड देता है और उनको रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के साथ कंफ्लिक्ट में खड़ा करता है, और कंफ्लिक्ट और विक्टिम आइडेंटिटी इज अ वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि हम और आप और सभी विक्टिम से सिंपैथाइज करते हैं। चाहे मैं आपकी बातों को इंटेलेक्चुअली समझ सकूं और इंटेलेक्चुअली आई एम मेकिंग सेंस ऑफ इट, बट जब मेरे को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में मेरे और मेरे सारे काफी सारे कंटेम्पररीज को कॉन्फ्लिक्ट फील होती है और हमें समझ नहीं आता, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कन्यादान का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, काफी सारी लड़कियां और लड़कियों के जो माँ बाप हैं उनको कन्यादान के कॉन्सेप्ट से एवर्शन होती है कि नहीं नहीं लड़की शादी के बाद भी हमारी ही बेटी है और मैंने नहीं जाना दूसरे घर या समथिंग लाइक दैट, मैं अपने पेरेंट्स की उतनी ही हूँ। तो वो जो दान है और वो जो अपने पेरेंट्स पे जो हक है और पेरेंट्स का अपनी बेटी पे जो हक है, वो एक उस पर लगता है एक अटैक हुआ है। हाँ, तो इवन चाहे हम बोल रहे होते हैं कि ये सब वोकेस्ट है और ये सब फैमिलीज तोड़ देगी ये चीजें, बट इंडिविजुअल लेवल पे काफी सारे लोग हम कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हैं। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, फील कर, ठीक है? वो आपकी इसी फीलिंग को एम कर रहे हैं, आप फील करते हैं। आप एक बात बताएं, आप सिंगल हैं? यस। अच्छा, तो जब आपकी शादी होगी तो आपका कन्यादान होगा, तो क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको डिसओन कर रहे हैं? एक्चुअली आपके पेरेंट्स आपको डिसओन कर देंगे और आपका अपने पेरेंट्स से कोई संबंध नहीं रहेगा और आप किसी और की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इज दिस एक्चुअली व्हाट विल हैपन? डू यू थिंक इट इज एक्चुअली व्हाट विल हैपन? जो डार्क वर्ड है वो इसको वो करता है। यस। यहाँ पर मैं वामपंथी आपकी इमोशन को अपील करते हैं, यहां मैं आपके रीजन को अपील। जब पिता बेटी का कन्यादान करता है, दान करता है, आप कहते हैं वो दान करता है, डज ही एक्चुअली गिव हर अवे लाइक अ प्रॉपर्टी? डू यू थिंक? थिंक, आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू फील, डू यू थिंक दिस इज व्हाट योर डैड इज गोइंग टू डू? नो, नो, सो रैशनली यू नो दैट इज नॉट ट्रू, राइट? बट देयर इज अ वर्ड दान एंड दैट गिव्स यू अ फील एंड यू आर मेड टू फील एज इफ द वर्ड कन्यादान is giving you away. अच्छा, दुनिया के सारे cultures में होता है, Christian शादियों में होता है giving away the bride, right? Parents का एक role है आपके future life में, आपके future life में जो आप अपने husband के साथ जीने वाली हैं, उसमें parents का एक role है, parents आपके इस decision को approval देते हैं, ठीक है? तो आप यह बताएं कन्यादान शब्द का अर्थ वह होगा जो हम फील करेंगे या हुआ होगा जो है? विल द वर्ड डिराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम द रियलिटी और विल द रियलिटी बी डिफाइंड बट व्हाट यू फील अबाउट? आप बताएं कि दोनों में से कौन सा सोचने का तरीका सही है? हाउ द वर्ल्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड शुड बी डिराइव फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज और व्हाट यू थिंक इट मेक्स यू फील? जो रियलिटी है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की मीनिंग अपनी वैलिडिटी रियलिटी से डिराइव करेगी, ना कि रियलिटी जो है वह आपकी फीलिंग के हिसाब से डिक्टेट। तो पूरी वामपंथी एपिस्टेमोलॉजी जो है फीलिंग पर बेस्ड है, पूरी वामपंथी एपिस्टेमोलॉजी इसी का इस्तेमाल करती है, वह आपकी फीलिंग का प्रयोग करती है क्योंकि उसको पता है कि किसी की फीलिंग को मैनिपुलेट करना आसान है। व्हेन
Someone is guided by the feeling, then he can be made to believe in whatever, whatever. वो उसको आप किसी भी चीज में विश्वास दिला सकते, because feeling का रेंज बहुत वाइड है. आप किसी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो विक्टिम है, वो है या नहीं है, मैंने अब, लेकिन आपने विश्वास दिला दिया तो है. मेरे साथ एक अमेरिकन लड़की थी और वह बोलती है, ओ यू डू नॉट नो व्हाट वन हैज टू गो थ्रू बीइंग अ वुमन. अच्छा, डॉक्टर हो तुम, है? अमेरिका में रही हो क्या? स्कूल जाती थी तो तुमको पानी भर के 3 किलोमीटर जाना पड़ता था क्या? या तुमको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था? या तुम पूरे घर का खाना बना के चूल्हा जला के अपने छोटे भाई बहनों को खिला के और तब स्कूल जाती? व्हाट यू एक्चुअली वेंट थ्रू दैट यू फील सो विक्टिमाइज्ड? नो, आई फील विक्टिमाइज्ड बिकॉज आई फील देयर इज अ माइक्रो एग्रेशन अगेंस्ट वुमेन. छोड़ो ना, यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू नो, नॉट वॉट यू फील. क्या एक्चुअली ऐसा हुआ दैट समवन स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग टू स्कूल? बोले नहीं. एक्चुअली ऐसा हुआ दैट समवन टीचर गेव यू लेस मार्क्स बिकॉज यू वेर अ गर्ल? बोले नहीं. एक्चुअली ऐसा हुआ दैट व्हेन यू अप्लाइड टू मेडिकल स्कूल द मेडिकल स्कूल डिड नॉट टेक यू और यू हैड टू स्कोर हायर मार्क्स देन अदर्स टू गेट इनटू अ मेडिकल स्कूल? बोले नो. देन टेल मी, वेयर वाज द विक्टिमहुड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? आर यू एक्चुअली अ विक्टिम और डू यू जस्ट वॉन्ट टू फील गुड अबाउट फीलिंग लाइक अ विक्टिम? नहीं, बट ऐसा फील होता है. तो जब आप फील करा रहे हैं विक्टिमहुड, तो एक लड़की जो डॉक्टर है, अमेरिका में रही है, ठीक है, उसको सारी फैसिलिटीज मिली है. अगर अमेरिका के मेडिकल स्कूल में पढ़ने गई है तो मतलब उसके फादर ने उसकी पढ़ाई पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर खर्च किए होंगे, ठीक है, और वो कहती है कि मैं विक्टिम. क्यों? क्योंकि उसको फील होता है. उसका उसकी रियलिटी से कोई संबंध नहीं. शी इज नॉट टेकिंग एनी फीडबैक फ्रॉम रियलिटी कि अगर तुम विक्टिम हो और लोग फीमेल्स को रोकना चाहते हैं तो तुमको तुम्हारे फादर ने तुम्हारी पढ़ाई पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर खर्च करके डॉक्टर कैसे बना? बट शी इज नॉट रेडी टू टेक दैट फील्ड. और ये सबकी कहानी है, सबकी कहानी है. सारी लड़कियां जो विक्टिम फील करती हैं, दे शुड लुक एट द मेन इन देयर लाइफ, लुक एट देयर पेरेंट्स और फादर और ब्रदर और रियल मेन इन द नॉट नॉट की सड़क चलता कोई आदमी और नॉट द वर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द सोसाइटी. डोंट पिक द वर्स्ट एग्जाम्पल सोसाइटी, यू आर पिकिंग द वर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द सोसाइटी. कि जब मैं जा रही थी तो ट्रेन में तो एक लड़के ने मुझे घूर के देखा था एंड आई फेल्ट बैड अबाउट इट. So that becomes your sole experience with the women. नहीं, but this is what you want to feel कि मैं victim हूँ. तो आप अपने life से worst example pick करते हो और अच्छे examples छोड़ देते हो. So when my daughter asks me these questions, I tell her, you look at me and tell me, do I want for you what is good for you or not? Yes, I'm a man or not? Yes. So get out of this idea that men want to stop women and men want to victimize women. There are some people who want to victimize other. Some of them happen to be men. Some of them happen to be women, but you are a person, I am a person. Don't look at people with group identity. तो यह जो philosophy है, लोगों को व्यक्ति के रूप में देखने की बजाय उनको उनकी group identity में देखना और खुद को as an individual develop करने की बजाय अपनी group identity को subscribe. यह तभी संभव होता है जब आप उसकी epistemology को rationality से हटा के emotions पे डाल दे कि तुम जो feel करना चाहते हो कोई कुछ भी फील कर. फीलिंग, इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. यू कैन फील अबाउट एनीथिंग, राइट? बट दैट इज नॉट द रियलिटी. हमें प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम होती है तो हमें इस चीज से होगी जहाँ मैन्युफैक्चर्ड विक्टिमहुड है, जहाँ हम एक ऑपरेसर और ऑपरेस्ट क्रिएट कर रहे हो और एक मैन्युफैक्चर्ड विक्टिमहुड है. बट कई जगह जेन्युइन विक्टिमहुड भी होगा. हाँ, तो क्या प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, क्या वो का जो सारा भी जो डिस्कशन है और क्या इसके जो उसने जेन्युइन विक्टिमहुड को एड्रेस करके क्या कुछ पॉजिटिव रोल भी प्ले किया है क्या? चले, मैं पहली बात कहूं कि मेरा शॉर्ट आंसर इज नो. नो, राइट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. चले, आपने फीमेल्स की बात की कि फीमेल्स फील विक्टिमाइज्ड एंड इट इज ट्रू दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग अ फीमेल वाज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ ग्रेट थिंग, एंड इवन नाउ इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ being a female is harder than being a male, right? But here comes the question, the changes that came, who brought those? जब भी कहीं कोई चेंज आता है, ये वामपंथी उसका क्रेडिट लेने आता, यही होता है. वोक आइडियोलॉजी जो है सिर्फ क्रेडिट लेने आता. यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आज से दो जनरेशन पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी. माई मदर वॉज द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज, नॉट ओनली इन हर विलेज, प्रोबेबली इन द होल एरिया. पहले 3 लड़कियां जो स्कूल में गई थी तो उनको मेरे नाना जी ले, राइट? उन्होंने, नाना जी ने लड़कियों का स्कूल खोला था, उनमें 3 लड़कियों को लेकर गए थे और पढ़ाया था, राइट? तो जहां तक पढ़ा सकते थे, गांव में उस वक्त मिडिल स्कूल था तो मिडिल स्कूल तक पढ़ी, उसके आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, नहीं पढ़ी, ठीक है? तो बीइंग अ वुमन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट, ये सारी चीजें बदल, किन लोगों ने बदल? जब लोगों ने रियलाइज किया कि लड़कियों का पढ़ना लड़कियों के लिए फायदेमंद है तो लोगों ने लड़कियों को पढ़ाया.
अगर आप यूनिवर्सिटी गई और आपके यूनिवर्सिटी जाने का खर्चा आपके पेरेंट्स ने उठाया या किसी वो फेमिनिस्ट ने उठाया, ये बताएं, आपको स्कूल किसने भेजा, आपको यूनिवर्सिटी किसने भेजा? अल्टीमेटली यह चेंज कहां से आया? किसी वामपंथी ने, कोई वामपंथी यह चेंज लेकर आया? लोग क्या मूर्ख हैं कि उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि पढ़ाई के फायदे हैं? मैं बात कर रहा हूं अपनी मदर की, तो वह बात है 1947-48 की, 1950 की। मेरी मदर अभी लगभग 90 ईयर्स की एज की है, तो ये सब बात 40s उच्च हो रही है, ठीक है। तो उस वक्त जो देश की सामाजिक स्थिति थी, जो देश की आर्थिक स्थिति थी, जिस तरह के का समय था कि भाई लोगों को खाने को नहीं मिलता था, लोग कहाँ से किसी को स्कूल भेजते, और स्कूल सबको काम में लगना होता था, यंग एज से बहुत कम लोगों को एजुकेशन मिलता था, ऑफ कोर्स लड़कियों को और भी कम मिलता था, लड़कों को भी कम मिलता था, तो पूरे समाज में पॉवर्टी थी। जैसे जैसे लोग समझते गए कि भाई पढ़ने से फायदा है, लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब आज से 70 साल पहले जाके, 80 साल पहले जाके, 1940 में जाकर मेरी माँ इस बात की शिकायत करे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, नहीं हुआ। यह कि द टाइम्स वेयर हार्ड एंड दिस वाज दिस व्हाट हैपेंड, द टाइम्स चेंज्ड, राइट। इट्स नॉट दैट कोई वो वामपंथी आया और उसने समय को बदल दिया। समाज में परिवर्तन होता ही है, क्योंकि समाज प्रबुद्ध लोगों से बना है, सोचने वाले कॉन्साइंटियस लोगों से बना है। तो लोगों को जब समझ में आती है बात कि यार पढ़ने के फायदे हैं, बेटी को भी पढ़ाओ, ठीक है। पहले सिर्फ इम्प्लॉयमेंट से जुड़ा था, इम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, कम लोगों को मिलता था, तो लोग लड़कों को पुश करते थे कि तुम्हारे लिए तो इम्प्लॉयमेंट लेना जरूरी है, नहीं तो तुम क्या करोगे, लड़की की तो शादी कर दे। थोड़े दिन बाद समझ में आया यार लड़की को भी तो इम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। जब उनके आसपास दूसरे लोगों ने अपनी लड़कियों को इम्प्लॉयमेंट दिलाना शुरू किया, तब बाकियों को समझ में आया, देर आर सम अर्ली एडॉप्टर्स, सम लेट एडॉप्टर्स, बट इसमें वोकिज्म कहाँ आता है? व्हाट वर्क द बेस्ट, व्हाट एक्चुअली वर्क हियर, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। और फेमिनिज्म किसके अगेंस्ट खड़ा है? इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के। उसका नतीजा क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड को आप देखें, जहां फेमिनिज्म इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के अगेंस्ट खड़ा है और फैमिली का ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां लड़कियों की हालत क्या हो रही है? जो लड़कियां ब्रोकन फैमिली में बड़ी हो रही हैं, उनकी हालत क्या हो रही है? वहां पे टीनेज प्रेगनेंसी की रेट क्या है? वहां स्कूल ड्रॉप आउट की रेट क्या है? वहां रेप का रेट क्या है? आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां जो पार्ट इससे अफेक्टेड हुआ, जहां फैमिली का ब्रेकडाउन हुआ, उनका स्टेटस देख, लाइक टू लाइक कंपेयर चाहेंगे ना आप, तो आप अगर अमेरिका में कंपेयर करना चाहते हैं तो अमेरिका के सर्कमस्टांसेस में जो बच्चे ब्रोकन फैमिली में बड़े हुए और जो बच्चे इंटैक्ट फैमिली में बड़े हुए, उनके बीच का गैप आप सारे पैरामीटर्स, एजुकेशनल पैरामीटर्स पे, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंडेक्स के जितने पैरामीटर हैं, एजुकेशन पे, फ्रीडम में, हेल्थ में, हैप्पीनेस में, कैसे भी देखें, तो जो बच्चे इंटैक्ट फैमिली में बड़े हुए उनकी लाइफ, और जो महिलाएं इंटैक्ट फैमिली में हैं उनकी लाइफ, और जो महिलाएं ब्रोकन फैमिली से निकली उनकी लाइफ, डिड दे फील बेटर ऑफ आफ्टर हैविंग अ ब्रोकन फैमिली और डिड दे फील वर्स ऑफ आफ्टर हैविंग? नॉट दैट इट इज देयर फॉल्ट दैट द फैमिली इज ब्रोकन, आई एम नॉट ब्लेमिंग वन पर्सन, बट द आउटकम वॉज एडवर्स, राइट। सो वॉट एवर वोकिज्म डिड, वोकिज्म क्रिएटेड हैवॉक एंड मिजरी। सर तो फिर एंड गोल क्या है इनका? और वोकिज्म यदि समाज में आता है तो फायदा किसको हो रहा है? कौन इसको करा रहा है? जिसको पावर मिल रही है। आप सब्सक्राइब करते हैं एक विक्टिम आइडेंटिटी से। जब आप विक्टिम आइडेंटिटी से सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक विक्टिम ग्रुप के पार्ट बनते हैं। विक्टिम ग्रुप के पार्ट बनते हैं तो कोई उस विक्टिम ग्रुप को लीड करता है, कोई उस विक्टिम ग्रुप को लीड करके ले जाता है तो उसके पॉलिटिकल माइलेज लेता है। आज के दिन में वेस्टर्न वर्ल्ड में LGBTQ एक बहुत बड़ा वोटिंग ग्रुप है, और वह अब जैसे कि अमेरिका के इलेक्शन को देख लें तो LGBTQ जो होगा वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वोट करेगा, ठीक है। पर्सनली उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसे नहीं देखना। उसे नहीं देखना कि इकोनॉमी के फ्रंट पे क्या हो रहा है, उसे नहीं देखना कि वर्ल्ड में वॉर हो रहे हैं डेमोक्रेट्स के आने से, उसे नहीं देखना कि दुनिया अच्छी हो रही है कि खराब हो रही है, उसकी लाइफ इंप्रूव कर रही है। इमोशनल ग्राउंड पर उसको लगता है कि मैं विक्टिम हूं और मुझे यह पॉलिटिकल स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज अदर्स ऑफ माय आइडेंटिटी आर टेकिंग दिस पॉलिटिकल स्टैंड। तो द वन पर्सन हु इज गाइडिंग सो मेनी पीपल टुवर्ड्स टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टैंड बिकम्स पॉलिटिकली पावरफुल। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज ही कैन यूज दैट माइलेज इन हिज फेवर। तो दुनिया में आज के दिन में बड़ी बड़ी कंपनियों पर इतना, उनका इतना बजट है, DEI बजट है इतना अधिक, इतनी कंपनियां जो है वो प्राइड मंथ पे इतना खर्च कर रही हैं। Someone is using that money. It's not only about money, but it is also about. So someone who is
बींग पावरफुल इज यूजिंग इट इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। दुनिया में कितने लोग आज के दिन में, हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी जो है इस एक्टिविज्म से चलती है। कोई एक एनजीओ चला रहा है, उसकी रोजी रोटी चल रही है। कोई भारत में कितने लाखों एनजीओ चल रहे थे, अभी तो उनका बुरा दिन आ गया थोड़ा पिछले 10 वर्षों से, नहीं तो लाखों एनजीओ चल रहे थे जिन पर अरबों खरबों का पैसा आता था। तो या तो आपने कोई भी एक विक्टिम ग्रुप को उठाकर आप उसका सपोर्ट ग्रुप खड़ा करते हैं, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्किल रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई डिग्री होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग प्रोडक्टिव। ऑल यू हैव टू डू इज टू हैव अ न्यूसेंस वैल्यू सो दैट द अदर पर्सन पेज यू मनी टू कीप क्वाइट। हम कंपनियों को बंद करवा देंगे, कंपनी पैसा देगी, कंपनी के अगेंस्ट प्रचार करेंगे कि ये कंपनी जो है होमोफोबिक है, या कंपनी ट्रांसफोबिक है, या कंपनी ब्लैक्स के अगेंस्ट है, या कंपनी वुमेन के अगेंस्ट। अब कंपनी बोलेगी नहीं भैया आप नहीं है, देखो तो हम तुम्हारे एनजीओ को इतना पैसा देते हैं। तो फिर उसके बाद अपनी जो वंस दे गेन पावर बाय गेटिंग अ विक्टिम ग्रुप अंडर देयर अम्ब्रेला, देन दे कैन यूज एज मेनी वेज एज दे वॉन्ट। सिनेमा बनेगा, उनकी पसंद की कहानी आएगी, उनकी पसंद की कहानी आएगी, उनका पसंद का स्टोरी राइटर आएगा, उनके पसंद के बंदे को सिनेमा में रोल मिलेगा, दोज हू प्ले टू देयर रोल। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है आपके चरणों में पड़ी है, आप उसको जैसे चाहे वैसे डिक्टेट कर लो, उससे जो चाहे सो निकलवा लो। तो इतनी पावर है, लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई इतनी पावर कोई छोड़ कैसे देगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन टू गिव अप दैट मच पावर। तो यदि इतने इसने ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के ग्रुप्स बनाए बनाए तो इसने इस्लाम के अगेंस्ट कभी क्यों नहीं कुछ बोलते? इस्लाम के अगेंस्ट क्यों कुछ नहीं बोलते? क्योंकि हर चाहे आप कितने भी बड़े तोप हो, आपकी गर्दन पे एक ही सर होता है ना, पहली बात तो यह हो, ठीक है? तो आपका सारा न्यूसेंस जो है दम तोड़ देगा अगर आप इस अपने न्यूसेंस करने का प्रयास करेंगे ऐसे लोगों के सामने जो वायलेंस की भाषा बोलते हैं। तो दैट इज वेयर इस्लाम डजंट टेक नॉनसेंस। आप ज्यादा उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको पता है कि क्या नहीं बोल सकते। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों बोलना, व्हेन यू कैन मेक इट अ पार्टनर, व्हेन यू कैन मेक इट अ पार्टनर इन योर एंडेवर। आप जो करना चाहते हैं आपने उसमें उसको पार्टनरशिप ले ली। अब इंडिया के केस में आप देख लें, बल्कि पूरी दुनिया में आप देख लें, पूरी दुनिया में आप देख लें, इस्लाम इज अ वैल्यूएबल पार्टनर टू लेफ्ट फॉर वन रीजन। लेफ्ट नीड्स पीपल हु कैन अल्टीमेटली, जो लड़ाई होनी है अल्टीमेटली, जो बात का फैसला होना है वायलेंस, इस्लाम के पास भीड़ जुटाने की ताकत। आपके इशू पर और कोई भीड़ जुटे या ना जुटे, भारत में मोदी के खिलाफ लोगों को खड़ा करना है, कौन से एक ग्रुप का भरोसा है उनको कि भैया हम किसी भी शहर में 40-50 हजार आदमी जुटाने हैं, हमको तो कहां से है? नो वन केयर अबाउट योर कॉज, नो वन केयर्स अबाउट योर कॉज। स्टिल दे कैन गेट 50,000 आदमी किसी भी शहर में जुटा लेना, जुटाना है जुटा लेंगे, उनको पता है कहाँ से आएंगे, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, उनको एक जगह से ऑर्डर मिलना है। All you have to do is to please one person. किसी मस्जिद के इमाम को आपको खुश करना है, वो अपने मस्जिद कर देगा कि भाई यह जो है यह दीन का काम है, इसको जाओ करो, चले आएंगे। आपको मजे की बात है कि यह जो सतरंगा झंडा लिए वाले लोग गाजा के लिए बहुत हल्ला मचा रहे हैं। क्वियर पीपल फॉर गाजा का खूब होता है। मैं बोलता हूँ यार तुम सारे क्वियर लोग गाजा जाओगे कभी? मार दिए जाओगे। तो जवाब है कि उनको जाना नहीं है ना, दे डोंट हैव टू गो देयर, राइट? उनका एरिया ये नहीं है एरिया, उनको इस्लाम के अगेंस्ट बोल के मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना, क्योंकि गाजा उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन तो है नहीं। तो उनको गाजा जाके रहना नहीं है, ईरान जाके रहना नहीं है, टर्की जाके रहना नहीं है, रहना तो उनको इंग्लैंड अमेरिका में। यहाँ पे वे LGBTQ फॉर गाजा का झंडा लहराते हैं, क्योंकि उनको ये पार्टनरशिप है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भीड़ जुटाने की, और कॉमन विक्टिम आइडेंटिटी वाली बात है वहां पर। वहां विक्टिम आइडेंटिटी इस्लाम की अपने पास एक तो चीज बहुत पावरफुल है, they have street power, they hold the streets, they control them. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि they have somehow got into it कि भैया हम भी विक्टिम है। मानते हो कि हम विक्टिम? हिम्मत है तुम्हारी बोल के देखो कि हम विक्टिम नहीं है? हिम्मत हो गई तुम्हारी कहने की कि हम विक्टिम नहीं है? वो भी विक्टिम हो गए धमका के, they have got into it. लंदन में 4 बॉम्ब ब्लास्ट किए उन्होंने, 7/7/2005 था, I was in London on that. 4 बॉम्ब ब्लास्ट किए, 4 बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे इंग्लैंड को कन्विंस कर दिया कि ये बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है और ये वो सबसे बड़े। तो दे हैव फोर्स्ड देयर वे इनटू दैट इस्लाम। तो उन्होंने अपने एरियाज डिवाइड किए हैं, मतलब इस्लाम स्ट्रीट पावर और ये इंटेलेक्चुअल। या प्रिसाइजली इस्लाम स्ट्रीट पावर लिया है और इनके पास इंटेलेक्चुअल पावर है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई न्यूट्रल ग्राउंड पे लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। अगर आप एक गैंग वॉर की बात करें, एक शहर में एक गैंग वॉर होता हो और दो गैंगस्टर्स आपस में
आप कहेंगे आपस में क्यों नहीं लड़ते, अरे आपस में क्यों लड़ेंगे यार, लूटना हमको पब्लिक से है कि आप एक दूसरे से लड़के क्या फायदा, एक दूसरे से लड़ेंगे कैजुअल्टी होगी, दोनों मिल जाओ अपना अपना एरिया बांट लो और लूटना पब्लिक से है, पब्लिक से हफ्ता वसूलो, एक दूसरे से क्यों लड़ोगे। तो दे हैव रीच्ड टू दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सर काफी मजा आया, मैंने सोचा था इंडिया के बारे में भी डिस्कस करूंगी लेकिन अभी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए हमें एक अलग से डिस्कशन रखना चाहिए। तो आप कुछ कंक्लूजन कुछ बोलना आप वापस आ नहीं पाई, मैंने कहा था आप इंडिया में आओगे तो बाहर निकलोगे कैसे। एक्चुअली वो जो आपका साइकोलॉजिकल वो है ना, साइकोलॉजिकल की किस तरह से वो अटैक करे, क्या हो रहा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चाहे जो भी बात है उनकी जो पैकेजिंग है, जिस तरह से वो पैकेज करते हैं और सेल करते हैं, इट बिकम्स रियली अट्रैक्टिव और हमें उसका एक अच्छा काउंटर ढूंढना है। आई टोटली एग्री विद यू कि उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और उनका जो लॉलीपॉप जैसी बात, नो वन विल से दैट लॉलीपॉप बहुत हेल्दी चीज, राइट, बट यू कांट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग फॉर लॉलीपॉप। बच्चे को आप नहीं समझा सकते, चाहे आप कितना भी समझा दो बेटा दांत खराब हो जाएगा, पेट में कीड़े पड़ेंगे या वॉट एवर, बच्चा टॉफी खाएगा ही, चॉकलेट खाएगा ही। तो वे टॉफी चॉकलेट बेचते हैं और उसकी रैपिंग अच्छी कर रखी है और सबसे अधिक वे बच्चों को एम कर। तो मेरे हिसाब से अगली पीढ़ी की जो सोच है, मतलब हर 10 वर्षों में, पहले 20 साल में पीढ़ी बदलती, ठीक है, बाप और बेटे के बीच में गैप होता था, जनरेशन गैप, अब तो लगता है कि यार 5-7 साल में जनरेशन गैप हो जाता है। मेरे बेटे और बेटी में सिर्फ 3 साल का गैप है और मेरा बेटा बोलता है कि मुझे तो अपनी सिस्टर से जनरेशन गैप फील होता है, दोनों के थिंकिंग में इतने का अंतर, वो बोलता है कि मुझे उसकी बातें नहीं समझ में आती, द वे शी टॉक्स आई कांट फॉलो ऑल द टाइम, कि उसके रेफरेंसेस क्या है, वो कहां से बोल रही है। तो यार जनरेशन का जो शिफ्ट है यह बहुत तेजी से हो रहा है और लगातार नए नए ट्रेंड्स दिए जा रहे हैं और इंटरनेट के आने से यह और फास्ट हो गया है। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू कीप अप विद द चिल्ड्रन कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चों को कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं, बच्चों को कौन सी चीजें आकर्षक लग रही हैं, यह बहुत तेजी से बदल रहा है। इसलिए मेरे समझ से जो बहुत ही समाधान के की बात किए बिना समस्या की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। समाधान की दृष्टि से मैं कहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पेरेंट्स जो है बच्चों को सुने, बच्चों के माइंड को समझे और बच्चों से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। बच्चों को हमारे जमाने में बाप का बेटे से एक ही कम्युनिकेशन होता था वो वाला कम्युनिकेशन अब नहीं चलेगा। हमारे जमाने में जो कम्युनिकेशन होता था वो मुंह से कम होता था, ठीक है, अब ऐसे जो बोल दिया सो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया और आपने बहस की तो फिर उसके बाद बल प्रयोग होता था तो वो कम्युनिकेशन नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं अगले जनरेशन को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वे क्या, और आपके पास सफिशियंट इंटेलेक्चुअल एम्यूनेशन होना चाहिए उसके प्रश्नों का उत्तर देने का। आसान काम नहीं है, पेरेंटिंग हैड नेवर बीन एन इजी जॉब, नो वन हैज प्रॉमिस्ड दैट इट इज गोइंग टू बी इजियर एनी मोर एंड यू कैन नॉट आउटसोर्स इट टू इंटरनेट एंड यूट्यूब। पेरेंटिंग का काम इंटरनेट और यूट्यूब को आउटसोर्स ना करें, अपने हाथ में लें। इसलिए जरूरी है पता करें बच्चे क्या सोच, जिन विषयों पर बात करना कठिन है उन पर भी बच्चों से बात करें। अब LGBTQ की बात आएगी, सेक्सुअलिटी की बात आएगी, बच्चों से बात करना पेरेंट्स के लिए हमारे जनरेशन तक, हमसे पहले के जनरेशन तक तो बहुत ही कठिन, मतलब बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वी प्रिटेंडेड एज इफ सेक्सुअलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, जस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट। आज के दिन में आपको उन टॉपिक्स पे भी बात करनी होगी और उस लेवल का कंफर्ट लाना पड़ेगा कि बच्चा आपसे हर बात शेयर करे। इसका यह मतलब नहीं है कि पैंडर टू देम, इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चे की हर बात को कहें कि नहीं तुम ही सही बोल रहे हो, बच्चे से अप्रूवल लेने का प्रयास ना करें, यह एक बहुत बड़ा लालच होता है। जो पेरेंट सोचते हैं हम अच्छे पेरेंट हैं, हम अच्छे पेरेंट बन के दिखाएंगे, वे क्या कहते हैं कि बच्चों से अप्रूवल लेने, बच्चे की हर बात पे एग्री करते हैं, हाँ तुम ही सही। मेरी एक मित्र हैं, महिला मेरे कॉलेज के समय की मित्र हैं, उनको मैं देखता हूँ कि अपने बेटियों के प्रभाव में आके वो पूरी वोक, कॉलेज के समय में नहीं थी, बिल्कुल ट्रेडिशनल महिला, अभी बेटियों को प्रभावित करने के लिए मेरी बेटियां कहें कि मैं बहुत अच्छी मदर हूं, मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूं, वो बेटियों को प्रभावित करने के लिए। तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि बच्चे जो कहें उनसे सहमत हो जाएं, बट यू शुड हैव एनफ इंटेलेक्चुअल एम्यूनिशन टू डिस्कस एवरीथिंग विद योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ब्रिंग देम टू अ रैशनल आर्गुमेंट, बिकॉज हम में और आप में डिसएग्रीमेंट है अगर किसी पॉइंट पर, तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम और आप दोनों रैशनल होकर उसको देखें, राइट, इमोशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आप ये फील करते हैं, वो फील करते हैं, देयर विल नेवर बी अ कॉमन ग्राउंड टू कम्युनिकेट, हैज टू बी अ रैशनल। सो अनलेस आवर एपिस्टेमोलॉजी इज रैशनलिटी, वी कैनॉट कम्युनिकेट विद आवर चिल्ड्रन, वी विल हैव नो कम्युनिकेशन, नो कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन एंड दे विल टेक अवे आवर, हमारे बच्चों को लेकर चले। इसलिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, मैं और हमारे एक वर्कशॉप कर रहे हैं हम लोग अक्टूबर के महीने में
ऋषिकेश में। अच्छा 2.5 days की वर्कशॉप है, ट्रांसजेनरेशनल डायलॉग फॉर अ रेजिलियंट इंडिया। तो एक है पर इसका नाम, बट कीवर्ड है ट्रांसजेनरेशनल डायलॉग। इन कंटेंशियस इश्यूज पर पेरेंट्स अपने बच्चों से किन टर्म्स में बात करें और उनके क्वेश्चंस को, उनके आर्गुमेंट्स को जाने और उसके वैलिड आर्गुमेंट जो बच्चों को वैलिड लगे। अगर हम बच्चों को कहें नहीं ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा, या बच्चों के लिए बिल्कुल ही वैलिड आर्गुमेंट, या हमारी परंपरा नहीं है, या बच्चों के लिए बिल्कुल ही वैलिड आर्गुमेंट, दे जस्ट डोंट बाय दिस। सो यू हैव टू हैव अ रैशनल एंड अ वैलिड आर्गुमेंट फॉर इट। तो हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जो लोग भी करना चाहें इस वर्कशॉप को, हम एक, आप अगर अनुमति हो तो आपके कमेंट सेक्शन में हम एक लिंक डाल देंगे जहां पर जो लोग उसमें रुचि लेंगे या जो लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। राइट, हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट बातचीत हो तो हम उनका आर्गुमेंट सुन के उनके प्रश्न का उत्तर दे सकें। दैट विल बी इवन मोर बेटर। तो 12-13 साल से लेकर 24-25 साल तक के बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से हम अपने आर्गुमेंट्स को टेलर करेंगे। और तो मेरी समझ से यह एक प्रयोग है, लेकिन इसको आगे लाने और इसको कंटिन्यूअसली सतत रूप से करते रहने हमारा की हमारी योजना है। और मेरी समझ से यह एक रास्ता हो सकता है, इट इज जस्ट वन ऑफ द वेज। और भी रास्ते हो सकते हैं, स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करना, उनको अपनी बातें समझाना नहीं, उनको सुनना और रैशनल आर्गुमेंट्स, उनकी एपिस्टेमोलॉजी को चेंज करना कि बेटा रैशनल होके सोचो व्हाट यू फील, व्हाट यू आर मेड टू फील एंड व्हाट इज द रियलिटी। नहीं सर, बच्चों की क्या मतलब कि हमें भी काफी डाउट्स है, कि डाउट्स इन द सेंस कि पता है कि चीज वो है लेकिन एक रैशनल काउंटर नहीं है उस चीज के लिए, तो वो हमारे भी प्रयोग नहीं किया है आपने, आपने इमोशन का ही प्रयोग। तो शायद वो वर्कशॉप मुझे भी अटेंड करने की जरूरत है। तो सर हम फिर से ज्वाइन करेंगे, आप हमें जो इंडिया के बारे में कॉन्टेक्स्ट में हम एक बार डिस्कस करेंगे और दोबारा आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सर, इट्स लाइकवाइज। We'll be right back.